देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के लिए करो और मरो की स्थिति है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ पाने जैसा है और खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। और मुझे लगता है बीजेपी अपने उच्चतर स्तर पर है और तमाम चीज़ों को लेकर, यानी केवल विकास को हटा दें तो बाकी चीज़ों के लिए बीजेपी के लिए भी चुनौती कठिन है। अब थोड़ा बहुत माइनस होगा या स्थिति यही रहेगी, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी के पास बहुत बड़े इश्यूज हैं और यदि आंदोलन की बात जहां तक है, आंदोलन यदि माइनॉरिटी का बीजेपी से तरह तरह के बयान देना, माइनॉरिटी के लिए बीजेपी के साथ जुड़ पाना कठिन है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है और एकजुट यदि शिफ्ट होता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिर भी मैं मानता हूं कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जन चेतना, जन सामान्य जन में विकास एक बड़ा विषय है। जातिगत समीकरण तो है ही है, लेकिन विकास के आधार पर ऐसा थोड़ा उलटफेर की भी संभावना है, हमारे अभी भी बनी हुई है। के विक्रम राव साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका भी, और आपका एक शुरुआती कमेंट हम चाहते हैं। ओपिनियन पोल में जो पहली पिक्चर नजर आ रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से हम सहारनपुर जिले की अगर बात करें, शामली की बात करें, तो इन दोनों जिलों में ये जो है कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही समाजवादी पार्टी, आप क्या कहेंगे? अनिश्चित स्थिति है, इसलिए कि एक्चुअल परसेंटेज ऑफ पोलिंग कितने वोट पड़े ये देखना होगा, क्योंकि अगर उस दिन पोलिंग कम हो गई तो नुकसान होगा आरएलडी एसपी गठबंधन को, पोलिंग ज़्यादा अभी तो उनके पक्ष में है। तो आज के कितने सीटें आप दे रहे हैं और पोलिंग के दिन कितने वोट पड़ते हैं, इनमें जब तक तारतम्य निश्चित नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है ये हैवी पोलिंग के बाद ही निश्चित हो पाएगा कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी। हैवी पोलिंग आरएलडी एसपी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल राव साहब, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना वोटर, जो वोटर पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है, उसको आप बूथ तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। वो अगर सरकार के खिलाफ उसे वोट करना है तो वो बूथ तक जा रहा है कि नहीं, इतना नाराज है कि नहीं, इस पे भी बहुत सी सारी चीजें निर्भर करती हैं। जब्बार हमारे सहयोगी इस वक्त विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। जब्बार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदों की नजर से समाजवादी पार्टी देख रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहां से जिस तरह का चुनाव उठता है वो बाकी क्षेत्रों पर भी और बाकी फेसेस पर भी इम्पैक्ट डालता है, तो क्या यहाँ पे मुकाबला 50-50 है या फिर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा सा गेन करके जाएगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसका प्रभाव दूसरे इलाकों पर भी पड़ता है, मगर जिस तरीके से अभी इन 20 सीटों की बात अगर करें, जिस तरीके से सपा मजबूती के साथ में आगे दिख रही है, बीजेपी थोड़ा सा यहां पर कम दिख रही है, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जैसा कि भी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि एक तो ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, दूसरा ये कि जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता जिस तरीके से जिन मुद्दों को उठाते हैं और जिस तरीके से मुस्लिम तबका उसको जिस अंदाज में ले रहा है, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों के होने के बावजूद भी मुस्लिम तबका इस बार एक रिवर्स पोलराइजेशन की कंडीशन में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब इसका पोलिंग के वक्त में कितनी परसेंटेज पोलिंग होती है, मतदान कितना होता है, वो एक अलग पहलू है, मगर आज के वक्त में कहीं ना कहीं ये बात तो सत्य है कि मुद्दों की बुनियाद पर कहीं ना कहीं जनता इस वक्त देख रही है। लेकिन नाराजगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की या फिर उन किसानों की वजह से दूसरे लोगों की नाराजगी सत्ता पक्ष से रही है, कहीं ना कहीं उसका असर इस फेज में खासतौर पर 20 सीटों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अब इसको बिल्कुल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होगी।